और शरद पवार जी का कहना है कि जो कुछ भी हुआ है बिना उनके जानकारी में हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी के ट्रस्ट को ब्रिज किया गया। तो आप कैसे देखते हैं कि शरद पवार जी कह रहे हैं कि अजीत पवार अपने मन से किया है, पार्टी के लीडर उनके साथ नहीं है, आज शाम में उनको जो CLP मतलब पार्टी के CLP है उस पद से नए लोगों की घोषणा करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि अभी ये उनको मालूम नहीं है कि शरद पवार जी का सपोर्ट इसको है या नहीं है, लेकिन जहाँ तक शरद पवार जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो शायद अजीत पवार जी ने उनके साथ चर्चा नहीं भी की होगी। लेकिन अजीत पवार जी को शिवसेना के साथ जाना पसंद नहीं होगा। शिवसेना के साथ सरकार बनाकर वहाँ डिप्यूटी CM बनने से ये बेहतर था कि भाई BJP के साथ जाकर सरकार बनाइए। और शायद अजीत दादा ने शरद पवार से ये भी चर्चा की होगी कि अपन शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन पवार साहब का आग्रह शिवसेना के साथ जाने का रहने के बाद अजीत पवार जी ने ये निर्णय ले लिया। और अजीत पवार के साथ बहुत सारे MLA हो सकते हैं, पवार साहब का तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अजीत दादा ने सही निर्णय लिया है। और अजीत दादा ने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ डिप्यूटी CM की शपथ ले ली है, इससे महाराष्ट्र का फायदा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी सिद्ध करने का टाइम अभी जो 7-8 दिन में आएगा तो मुझे जरूर मतलब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपनी मेजॉरिटी दिखाएगी। अजीत पवार क्या NCP भी तोड़ सकते हैं? हाँ, अजीत पवार जी NCP के कई MLA तोड़ सकते हैं, मतलब अभी वहाँ उनके 54 MLA है, वहाँ 2/3 MLA की आवश्यकता है। लेकिन वहाँ ये भी बात है कि अजीत पवार जी को नेता के रूप में चुना गया है, तो अजीत पवार जी जो आदेश देंगे वो आदेश शायद वो MLA को मानना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, शिवसेना में भी काफी नाराजी है, शिवसेना के हाथ से सत्ता चली गई है, शिवसेना के आड़ेमंड भूमिका से, और इसीलिए मतलब शिवसेना के भी बहुत सारे MLA टूट सकते हैं, इसी तरह की भी स्थिति है। लेकिन अभी जो बहुमत सिद्ध करने का जो वक्त अभी आएगा तो हमारे पास 120 MLA अभी ऑलरेडी ही है, 25 MLA की आवश्यकता है, तो 25 MLA मतलब हमको मेजॉरिटी दिखाने के लिए मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अंतिम सवाल, विपक्ष कह रही है वो कांग्रेस हो या शिवसेना हो कि अजीत पवार इसलिए चले गए क्योंकि CBI ED बहुत सारे स्कैम में उनके नाम है, तो क्या आपको लगता है इस डर से भी लोग BJP में चले जा रहे हैं जैसा कि अपोजिशन का? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, अभी ED इंक्वायरी कोई इन्होंने लगाया ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सहकारी बैंक का जो विषय था या इरीगेशन का कुछ विषय था तो आंकड़े ऐसे कुछ निकाले थे, लेकिन उसमें कोई बहुत सारा तथ्य भी नहीं था, और इसीलिए मुझे लगता है कोई अजीत पवार ED इंक्वायरी को डरकर उधर गए ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अजीत पवार जी ने भी बताया था कि ये बातें चल रही थी कि वो सहकारी बैंक का बजट है कि 11,000 करोड़ का, और वहाँ चर्चा हो रही थी कि 25,000 का भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसी तरह की कुछ बातें अजीत पवार ने ध्यान में भी तो लाई थी। और अजीत पवार ने विधानसभा के चुनाव में उनके ऊपर जो आरोप थे उस आरोप कैसे ठीक नहीं है, इसकी बयानबाजी उन्होंने बहुत की भी थी, और इसीलिए मतलब अजीत पवार को 1,32,000 का लीड उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, और ये सबसे ज़्यादा मार्जिन उनको मिला है पूरे महाराष्ट्र में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अजीत पवार आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन अजीत पवार को अपने आरोप छुपाने के लिए इधर बिल्कुल आई नहीं है। ये राज ठीक ढंग से चलाना है, महाराष्ट्र को न्याय देना है, तो केंद्र में BJP की सरकार है, तो इसीलिए महाराष्ट्र में भी BJP के अंडर में सरकार होगी तो ही मतलब महाराष्ट्र का भला हो सकता है। इसीलिए अजीत पवार ने निर्णय लिया है, देखते आगे क्या होता है, कितने MLA उनके साथ आते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा MLA अजीत पवार के साथ आएंगे। थैंक यू।